हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम होम साइंस में टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा होगा एक डायग्राम जिस पर लिखा गया है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये देख लीजिए, पाचन तंत्र का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लीजिए। यहाँ पर माउथ वाला पोर्शन है, माउथ यानी कि मुंह, और माउथ के बाद जो ये एरिया है इसको हम कहते हैं मुख गुहा, ठीक है, जहाँ पे हम भोजन को चबाते हैं या भोजन को का लुगदी बनता है उसको हम बोलते हैं मुख गुहा, ठीक है। मुख गुहा को इंग्लिश में बोलते हैं माउथ कैविटी, ठीक है। उसके बाद माउथ कैविटी के बाद एक स्ट्रक्चर आता है ये, जिसको हम बोलते हैं ग्रसिका या फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स एक कॉमन रास्ता है जहां से वायु श्वास नली में जाती है तथा भोजन आहार नली में जाता है, ठीक है। और ग्रसिका के नीचे का स्ट्रक्चर ये, यहां से यहां तक का लेके, इसको हम बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली यानी को की ओसोफेगस, ठीक है, ग्रास नली ओसोफेगस कहते हैं। इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं स्टमक। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये स्टमक कहलाता है। स्टमक के तीन पार्ट होते हैं, हम आगे देखेंगे। स्टमक के बाद जो भोजन होता है वो हमारा कहाँ जाता है? वो हमारा छोटी आंत में जाता है। यह एरिया जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमारी पेन चल रही है, यह छोटी आंत की संरचना है। छोटी आंत के बाद फिर यहाँ से बड़ी आंत शुरू हो जाता है और फिर बड़ी आंत के बाद लास्ट में गुदा द्वार आता है, जहाँ से जो हमारा भोजन रहता है वह मल के रूप में बाहर निकल जाता है। और इसके अगल बगल यह देखिए यकृत है, यह यकृत की संरचना है जिसको हम लीवर कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। और यहीं पर एक संरचना है पित्ताशय की। और स्टमक के जस्ट नीचे एक पत्ती जैसी संरचना है ये, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय या पैंक्रियाज। तो ये सब क्या है? ये सब एक जूस या एंजाइम सिक्रीट करती हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम एक एक पार्ट को इसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा, एक ओवरव्यू व्यू खाका आपके दिमाग में बन गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं पाचन यानी कि डाइजेशन। पाचन किसको कहते हैं? तो पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन के बड़े एवं जटिल अणुओं को सरल व घुलनशील अणुओं में तोड़ा जाता है जो आसानी से अवशोषित हो सकें, अथवा इसकी दूसरी परिभाषा है जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। उसके बाद मनुष्य का पाचन तंत्र दो प्रमुख घटकों से मिलाकर बना है। अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो इसको दो भागों में तोड़ना पड़ेगा, पहला आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथियां। अब आहार नाल क्या है, पाचन ग्रंथियां क्या है, इसकी बात करें तो इस चित्र में समझ लीजिए, यहां से लेके ये माउथ से लेके जहां जहां से हमारा भोजन जिस रास्ते से जाता है और फिर उसके बाद गुदा द्वार द्वारा बाहर आ जाता है, इस पूरे रास्ते को हम क्या कहते हैं? इस पूरे रास्ते को हम कहते हैं आहार नाल। इसकी लंबाई 9 मीटर होती है या 33 फीट होती है। तो ये हो गया आहार नाल। और इसके अगल बगल कुछ और ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे यकृत, जैसे यहां पे पैंक्रियाज, जैसे यहां पे पित्ताशय। ये सब क्या करते हैं? ये सब जूस सिक्रीट करते हैं या एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो इसलिए इन सबको हम पाचक ग्रंथियां कहते हैं, क्योंकि इनका जो जूस हार्मोन या एंजाइम सिक्रीट होता है वह हमारे पाचन में बहुत मदद करता है, बहुत सहायक होता है। इसलिए इन सबको हम क्या कहते हैं?
पाचक ग्रंथियां। अब हम सबसे पहले देखते हैं आहार नाल। तो आहार नाल की लंबाई जो होती है वह 9 मीटर होती है, जिसमें सबसे लंबी छोटी आंत होती है 6 से 7 मीटर, और आहार नाल मुख से लेकर मलद्वार तक 33 फीट होता है। 33 फीट का मतलब 9 मीटर लगभग। और आहार नाल की दीवार में ग्रास नाल से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। जो अपना आहार नाल होता है उसकी दीवार की अगर बात करें तो उसके दीवार में 4 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर? 4 स्तर पाए जाते हैं। वो 4 स्तर कौन कौन से हैं? सिरोशा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोशा और म्यूकोशा। ऐसे अगर स्ट्रक्चर बना के हम देखें तो सबसे बाहरी दीवार जो हमारे आहार नाल की होती है वो क्या होती है? वह सिरोशा होती है। और सिरोशा के नीचे जो दीवार होती है उसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस, मस्कुलरिस बोलते हैं। और मस्कुलरिस के नीचे एक और परत होती है जिसको हम बोलते हैं सब म्यूकोशा। और सब म्यूकोशा के नीचे एक आखिरी परत होती है, या कह सकते हैं सबसे आंतरिक परत जो होती है वह म्यूकोशा होती है। कौन सी परत होती है? म्यूकोशा। और म्यूकोशा से ही म्यूकस या श्लेष्म स्रावित होता है। अब आगे हम देखते हैं आहार नाल के भाग। तो आहार नाल के भाग देखेंगे तो सबसे पहले मुख गुहा यानी कि माउथ कैविटी आता है। तो मुख गुहा में खुलता है। अगर हम माउथ को ओपन करते हैं तो जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? वह मुख गुहा यानी कि माउथ कैविटी कहलाता है। और मुख गुहा का ऊपरी भाग तालु कहलाता है। तालु के अधर तल पर जिह्वा होती है। जिह्वा पर स्वाद कलिकाएं यानी कि टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाओं द्वारा भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है। मुख द्वार पर 2 जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा अचल तथा निचला जबड़ा, यहाँ निचला रहेगा, तथा निचला जबड़ा चल होता है। दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में दांत जो होते हैं वह गर्त दंती यानी कि थीकोडोंट। गर्त दंती का मतलब क्या होता है? गर्त दंती का मतलब होता है कि जो दांत हमारे होते हैं वो मसूड़ों में धसे हुए होते हैं, और मसूड़ों में दांत धसे होने के कारण इसको थीकोडोंट या गर्त दंती कहते हैं। उसके बाद है फिर विषम दंती। विषम दंती यानी कि हेट्रोडोंट, क्योंकि दांत जो मानव के होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, तो उसके प्रकार के आधार पर ही इसको कहा गया है हेट्रोडोंट या विषम दंती। द्विबार दंती या डाइफाइकोडोंट इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव के दांत 2 बार में निकलते हैं, ठीक है। जो दांत एक ही बार में सारे निकल जाते हैं उसको हम मोनोफाइकोडोंट कहते हैं, लेकिन जो दांत 2 बार में जैसे एक बार टूट के फिर से निकलते हैं उसको हम बोलते हैं डाइफाइकोडोंट, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं दांत के बारे में कुछ और चित्र से समझ लेते हैं इसके प्रकार। तो वयस्क मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये सामने के दांत हैं 4 जो सामने से हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम स्माइली टीथ भी कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं और हिंदी में इसको कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। और कृंतक के बगल में एक एक दांत होते हैं जिसको हम रदनक कहते हैं। ये थोड़ा नुकेले टाइप के होते हैं जो चिड़ने फाड़ने का काम करते हैं। इसको हम कहते हैं कैनाइन या रदनक। क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। और उसके बाद फिर 3 दांत हमारे जो होते हैं, सॉरी 2 दांत होते हैं, वो होते हैं प्रीमोलर्स। क्या होते हैं? 2 दांत और होते हैं जो चबाने का कार्य करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीमोलर्स। यहाँ से देख लीजिए, कैनाइन के बगल में 2 दांत होते हैं जिसको हम प्रीमोलर्स बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो 3 दांत होते हैं इसको हम बोलते हैं मोलर्स या चवर्णक। ये सब चबाने तथा लार मिलाने, मिक्सिंग का काम करते हैं।
और ये देखिए, ये जो बीच वाला भाग है ये क्या है, ये टंग हमारी है जिसको हम जिह्वा कहते हैं या जीभ कहते हैं। इसी में ये देखिए ऐसे ऐसे दाने जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम स्वाद कलिकाएं कहते हैं। और जो दांत होते हैं वो मसूड़ों में धसे हुए होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, गम्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इतना आप लोगों के दांत के बारे में समझ में आ गया होगा। थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं तो ये देख लीजिए, वही चारों टाइप लिखे हुए हैं। कृंतक, ये वो दांत हैं जो सामने के चार दांत ऊपर और चार दांत नीचे होते हैं, टोटल 8 दांत होते हैं। इसको स्माइली टीथ कहते हैं और इनका काम क्या है, कटिंग करना या काटने का काम करना। उसके बाद दूसरा जो है प्रकार वो है रदनक या कैनाइन, ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं नंबर में और ये चीड़ने फाड़ने का काम करते हैं। इसके बाद अगला टाइप है अग्रचवर्ण का जिसको हम बोलते हैं प्रीमोलर्स या ग्राइंडिंग या पीसने का काम करते हैं, भोजन जो हम खाते हैं उसको पीसने का काम करते हैं। और सबसे लास्ट में जो अंतिम टाइप है उसको हम चवर्णक बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं मोलर, ये संख्या में होते हैं, ये 12 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं यहाँ देख लीजिए, ये 3 इस साइड हो गए, 3 इस साइड हो गए, 6 ऊपर और 6 नीचे, टोटल कितने हो गए, ये टोटल 12 होते हैं। और अगर अग्रचवर्णक की बात करें तो ये 8 होते हैं, कितने होते हैं अग्रचवर्णक, ये 8 होते हैं और टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो ये टोटल दांतों की संख्या क्या हो जाएगी, ये 32 हो जाएगी। ठीक है, ये वयस्क दांत थे। अब कुछ और दांतों के बारे में हम देखते हैं कि दूध के दांत जिसको हम मिल्क टीथ कहते हैं यह 20 होते हैं, जो एक बार जमने के बाद 4-5 साल के बाद टूट जाते हैं, फिर उसके बाद नए दांत निकल आते हैं और यह जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इनको डाइफाइकोडोंट कहते हैं। और 12 दांत जीवन में एक बार निकलते हैं जिसको मोनोफाइकोडोंट कहते हैं। और दांत का बाहरी परत जो होता है, जो व्हाइट कलर का हमें दिखता है, उसको क्या कहते हैं, उसको इनेमल कहते हैं। यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो इनेमल होता है यह पूरे बॉडी का, मतलब पूरा मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है, या कह सकते हैं हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। और हाथी में जो हाथी के दिखने वाले जो दांत होते हैं उसको हम अपर इंसीजर होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम टस्क कहते हैं। और यहाँ हम डेंटल फार्मूले की अगर बात करें, अगर बच्चों में हम दंत सूत की बात करें या डेंटल फार्मूले की बात करें, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2102 और 2102, ये जो ऊपर का है इसमें ये जो दो दांत है ये इंसीजर हैं, ये सेकेंड वन जो है ये कैनाइन है, और इसके बाद 0 जो है वो प्री मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दो दांत हैं यह मोलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अपर साइड के दांत हैं। ठीक है, ऐसे ही ये हाफ अपर, मतलब जो अपर साइड का ऐसे दांत होता है तो उसमें भी हाफ साइड की हम बात करते हैं, हाफ साइड यानी कि इधर के, तो ऐसे ही हाफ साइड इधर भी होगा, और ऐसे ही जैसे ऊपर है ऐसे ही नीचे भी, नीचे में भी ये इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्री मोलर है और ये मोलर है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं या कौन से दांत नहीं होते हैं, तो ये जो जहां 0 लिखा है इसका मतलब प्री मोलर जो है यह बच्चों में नहीं होते हैं। और यहीं अगर हम वयस्कों की बात करें तो वयस्कों का जो डेंटल फार्मूला होता है वो 21-23, यानी कि इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्री मोलर 2 और मोलर 3 होते हैं। जैसे बच्चों में जो मोलर होते हैं वह 2 होते हैं, लेकिन वयस्कों में जो मोलर की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है, वो 3 हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर के साइड जो है, ऊपर के हाफ साइड जो है 8 हो जाते हैं और 8 नीचे, और इसको अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करें तो 16 × 2 = 32, तो टोटल जो दांत हो जाएंगे वयस्कों में उनकी संख्या हो जाएगी 32। अब आगे इसके देखते हैं कि जो हमारी जीभ होती है, जिह्वा,
या फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती है। जो जीभ हमारी फ्री होती है जैसे बोलने में इधर उधर से, तो ये किसके द्वारा अटैच होती है? तो यह फ्रेनुलम एक संरचना होती है गले के पास में जिसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम, उसी से जुड़ी हुई होती है। और मुख गुहा में तीन जोड़ी, और मुख गुहा में जो जीभ होती, मुख गुहा में जो जीभ होती है उसके अगल बगल तीन जोड़ी लार ग्रंथियां जिसको हम बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, और एक दिन में 1.5 लीटर लार का निर्माण करती हैं जिसमें से टाइलिन एमाइलेज और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। जो टाइलिन एमाइलेज है यह स्टार्च का पाचन करता है, और जो लाइसोजाइम है यह बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम जो होते हैं ये हमारे आंसुओं में भी होते हैं, हमारे पसीने में भी निकलते हैं, इनका काम ही होता है बैक्टीरिया को या फॉरेन बॉडी को किल करना। तो ये जो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं वो कौन कौन सी देख लीजिए। तो नंबर एक पे है कर्ड मूल ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, यह सभी लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी आती है मैंडिबुलर ग्रंथि, या इसको बोलते हैं हम या मैक्सिलरी ग्लैंड या मैंडिबुलर ग्रंथ, क्योंकि जो हमारी मैक्सिला हड्डी होती है और जो मैंडिबुलर हड्डी होती है उन दोनों के बीच के जगह पे ये पाई जाती है। इसके बाद जो हमारी तीसरी वाली लार ग्रंथि है उसका नाम है सबलिंगुअल, माने यह जीभ के नीचे पाई जाती है, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये तीन जोड़ी लार ग्रंथियों को आप याद रखिएगा जिसमें से सबसे बड़ी पैरोटिड ग्लैंड है। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे की जो संरचना होती है उसको हम ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स कहते हैं। मुख गुहा के आगे का भाग ग्रसनी कहलाता है जो वायु और भोजन दोनों का रास्ता है। उपास्थिमय घाटी ढक्कन जिसको हम बोलते हैं इपीग्लॉटिस या भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है, क्योंकि ग्रसनी जो है यह श्वास नली और फूड पाइप मतलब आहार नली दोनों का कॉमन रास्ता होता है, तो इसलिए इस पर एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं इपीग्लॉटिस, और यही जब हम फूड को निगलते हैं तो यही इपीग्लॉटिस श्वास नली को ढक लेता है ताकि फूड श्वास नली में ना चला जाए। अब आगे देखते हैं हम ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस, ग्रास नली जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। तो ग्रसिका या ग्रास नली पतली लंबी नली है जो गर्दन वक्ष और मध्य पट से होते हुए पश्च भाग में जे आकार, इसकी संरचना कैसी होती है जे के आकार की, जे आकार के थैली नुमा संरचना आमाशय में खुलती है, और ग्रास नाल में क्रमानुकुंचन जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टैलिसिस गति पाई जाती है जिसके द्वारा भोजन ग्रसनी में आगे की ओर खिसकता है। पेरिस्टैलिसिस जो होती है या बोलते हैं क्रमानुकुंचन, यह जो हमारी आहार नाल होती है उसके मसल्स में होता है, क्योंकि इसी गति के कारण जो फूड हमारा होता है, जो बोलस होता है, जो काइम होता है, वह आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। ताकि जैसे कि हम सोते हुए भी कुछ खा लेते हैं तो भी वह हमारे स्टमक और छोटी आंत बड़ी आंत के साइड ही जाता है, ठीक है। तो वो किस गति के कारण जाता है? तो वह क्रमानुकुंचन या पेरिस्टैलिसिस मूवमेंट के कारण नीचे की तरफ खिसकता है। अब आगे हम आमाशय की बात करें स्टमक की, तो ग्रसिका के आगे के आकार, ग्रसिका के आगे ये जे के आकार के जो नीचे होता है वही जे के आकार के थैली नुमा संरचना आमाशय कहलाती है जो तीन भागों में बटी होती है, जो तीन भागों में यहाँ बटी होगा, जो तीन भागों में बटी या वर्गीकृत होती है। पहला भाग इसका कार्डियक कहलाता है जो सबसे ऊपर होता है, मध्य का भाग वो फंडिक कहलाता है, और लास्ट भाग जो छोटी आंत से जुड़ा होता है उसको हम पाइलोरिक कहते हैं। और आमाशय का जो मुख्य भाग होता है वह फंडिक कहलाता है, यह भोजन को 4 घंटे तक रोक के रखता है। और आमाशय का अगर पीएच की बात करें तो आमाशय का पीएच 1.5 से 1.8 के बीच में होता है। आमाशय में HCl पाया जाता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है तथा कीटाणुओं को मारने का काम करता है।
म्यूकस आमाशय की दीवारों को HCl से बचाने का कार्य करता है, क्योंकि HCl की प्रकृति इतनी अम्लीय होती है कि वह भोजन को गला देता है, पचा देता है। तो आमाशय की दीवारें क्यों नहीं गलती हैं, तो उसका एक ही रीजन है, क्योंकि आमाशय की दीवारों से एक म्यूकस नामक पदार्थ निकलता है जो जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो इसलिए यह जो HCl की अम्लीयता है उसको न्यूट्रल कर देता है और हमारे आमाशय स्टमक की दीवार बची रहती है। अब आगे हम बात करते हैं छोटी आंत की। तो जो छोटी आंत होती है यह आमाशय के बाद नलिका जैसी कुंडलित संरचना होती है जिसे छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। सबसे पहला भाग ग्रहणी होता है जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, उसके बाद दूसरा भाग अग्र छुद्रांत होता है जिसको हम जेजुनम कहते हैं, और लास्ट जो इसका पार्ट होता है वह छुद्रांत होता है जिसको हम इलियम कहते हैं। और छोटी आंत में बचे भोजन का अवशोषण तथा अन्य भोजन का पाचन दोनों ही होता है। इसकी दीवारों में आंतरस निकलता है और आंतरस के रूप में चार एंजाइम निकलते हैं यहाँ से, जैसे माल्टेज, सुक्रेज, गैलेक्टेज, और ये सब क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देते हैं, और इरेप्सिन प्रोटीन के अनपचे भाग को एमिनो अम्ल में बदल देता है। तो इतने सारे एंजाइम्स यहाँ से निकलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं बड़ी आंत की, तो जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर अवशिष्ट पदार्थों के जलीय अंश का अवशोषण होता है। शेष अवशिष्ट मल के रूप में मलाशय में चला जाता तथा मलद्वार जिसको हम रेक्टम कहते हैं, मलद्वार से बाहर कर दिया जाता है। और इसके तीन भाग होते हैं, जो बड़ी आंत होती है उसके भी तीन भाग होते हैं। पहला हमारा होता है अंधनाल जिसको हम सीकम कहते हैं, और सीकम के पास में ही एक उंगली जैसा प्रवर्ध होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, जो अब मानव में एक अवशेषी अंग के रूप में ही रहा बचा है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वह बृहदांत जिसको हम कॉलन कहते हैं, फिर उसके बाद तीसरा मलाशय जिसको हम रेक्टम कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि अंधनाल से एक उंगली जैसी प्रवर्ध परिशेषिका यानी कि अपेंडिक्स निकलता है जो एक अवशेषी अंग है, क्योंकि ये अपेंडिक्स का कार्य पहले क्या था, तो यह सेलुलोज का पाचन करता था। किसका पाचन करता था, यह सेलुलोज का पाचन करता था, जंतुओं में जो घास वगैरह खाते हैं जैसे भैंस गाय, इन सब में अभी भी अपेंडिक्स कार्यरत है और पाया जाता है। आगे हम देखते हैं पाचन ग्रंथियां। अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन आता है, यकृत यानी कि लीवर। तो लीवर के बारे में बात करें तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 ग्राम होता है। यकृत पित्त का निर्माण कार्य करता है और पित्त का संचयन जो है यह पित्ताशय में होता है। और यकृत शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहले इसका जो मुख्य मेन कार्य है वो क्या है, पित्त रस का निर्माण करना, ये बिल्कुल याद रखिएगा। जो हमारा यकृत है इसका सबसे मेन काम जो होता है वह क्या है, पित्त का निर्माण करना। इसके बाद इसी यकृत में कुछ प्रक्रियाएं, कुछ प्रोसेस भी होती हैं जिसको याद करना बहुत जरूरी है, तो उसको हम देखते हैं। जैसे एक प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस। इसमें क्या है कि जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तब यकृत कोशिकाएं अतिरिक्त ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लाइकोजन में बदल देती हैं, जो कि यकृत तथा पेशियों में संचित हो जाता है, और यह क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। मतलब सीधा सीधा यहां आप समझ लीजिए, ग्लूकोज को, यहां पर ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की क्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इसी का उल्टा है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें ग्लाइकोजन को किसमें, ग्लूकोज में
कन्वर्ट किया जाता है। इसको देखते हैं डिटेल में कि रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तब यकृत कोशिकाएं संचित ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देती हैं, ठीक है, जो कि रुधिर परिवहन में पहुंच जाता है तथा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट है, जैसे ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना और ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। अब आगे देखते हैं, एक टर्म और है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या है ग्लूकोनियोजेनेसिस? इसमें है आवश्यकता पड़ने पर यकृत कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पदार्थों जैसे एमिनो अम्ल वसी अम्ल तथा ग्लिसराल से भी ग्लूकोज का संश्लेषण कर लेती हैं, मतलब ग्लूकोज बना देती हैं, और यह क्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। और यकृत कोशिकाएं जो होती हैं यह कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती हैं और इसके अतिरिक्त विटामिन ए विटामिन डी भी यकृत में संचित रहते हैं। अगर हम इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि यकृत में कौन से विटामिन संचित रहते हैं तो हम कह सकते हैं विटामिन ए तथा विटामिन डी। अब आगे हम देखते हैं इसके आमाशयिक रस या जठर रस, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे आमाशय में होता है या आमाशय से निकलता है। तो आमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली श्लेष्म कोशिकाएं जिसको हम म्यूकस सेल बोलते हैं। दूसरी मुख्य कोशिकाएं जिसको हम पेप्टिक या जाइमोजेन सेल कहते हैं। तीसरी भित्ती कोशिकाएं या एग्जेनेटिक या पेराइटल सेल कहते हैं, ठीक है। तो जो सेल श्लेष्म कोशिकाएं होती हैं हमारे आमाशय में, वो क्या करती हैं, यह म्यूकस का श्रावण करती हैं। किसका श्रावण करती हैं? म्यूकस, वही म्यूकस जो एचसीएल से आमाशय की दीवारों को बचाता है। इसके बाद जो मुख्य कोशिकाएं इसकी होती हैं, जिसको हम पेप्टिक सेल या जाइमोजेन सेल कहते हैं, या पेप्सिनोजेन तथा प्रोरेनिन नामक एंजाइम का श्रावण करती हैं। यह वही पेप्सिनोजेन जो प्रोटीन का पाचन करता है, और यह रेनिन जो है यह दूध में जो केसिन होता है उस प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो होता है वह भित्ती कोशिकाएं या एग्जेनेटिक सेल, यह कोशिकाएं जो होती हैं यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का श्रावण करती हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब कुछ देख लेते हैं हम इनका कार्य क्या है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है, यह एंजाइम क्रिया को तीव्र करते हुए बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है, और पेप्सिन जो है यह प्रोटीन का पाचन करता है या यह प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, और रेनिन जो है यह दूध को फटने का कार्य करता है या दूध का पाचन करता है। इसके बाद हम आगे करते हैं अग्नाशयिक रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस की। तो अग्नाशय क्या है? अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि यहां से एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का श्रावण होता है, और यह ग्रहणी के पास स्थित होती है। यह अग्नाशय रस का श्रावण करती है, यहां श्रावण होगा, यह अग्नाशय रस का श्रावण करती है, जिसमें मुख्य रूप से ट्रिप्सिन एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि जो एमाइलेज है वह किसका पाचन करता है, तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और लाइपेज यह वसा को पचाता है, वसा का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पाचन होता है, इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो आई होप कि इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और जो आपके समझ में नहीं आया होगा वो आप कमेंट करिएगा, हम अगले सेक्शन में बता देंगे, कोशिश करेंगे इससे अच्छा आपको समझाने की। आज इतना ही, धन्यवाद।